नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, LIC का स्टॉक आपको 40 रुपये में मिला। जी दोस्तों जी हाँ दोस्तों, LIC का स्टॉक 40 रुपये में। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, और आप बोलोगे कि अभी तो LIC का IPO चल रहा है, उसमें तो ऑफर प्राइस जो था वो 950 के आसपास था। इवन डिस्काउंट भी पकड़े 40 या 45 या 60 रुपये का भी दोस्तों, तो वो भी फिर भी 900 रुपये के आसपास मिलेगा। बट आप 40 रुपये में कैसे बता रहे दोस्तों? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अंत तक और ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कि 40 रुपये में LIC का स्टॉक कैसे मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो, जो कि इंटरेस्टिंग वीडियो है डिविडेंड स्टॉक दोस्तों, जो डिविडेंड पांच जो डिविडेंड तगड़े मिलने वाले, उसके रिलेटेड ये लास्ट वीडियो डाला था मैंने, मार्केट क्रैश में कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए दोस्तों, और टाटा का जबरदस्त धमाकेदार डिविडेंड बोनस रेट वाला स्टॉक दोस्तों, तीनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये नहीं देखा है दोस्तों तो इसको जाके ये वीडियो के बाद चेकआउट कीजिए दोस्तों। कैम नहीं कह दोस्तों तो ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ ये 40 रुपये देखिए दोस्तों, ये जो अभी स्टॉक जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो 40 रुपये में मिल रहा है। करंट प्राइस देखिए दोस्तों 40 रुपये में दोस्तों। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं LIC की बात करता हूँ स्टॉक की कैसे, तो दोस्तों ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, ये 40 रुपये में मिल रहा है स्टॉक दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, ये 43,171 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 10 रुपये का फेस वैल्यू है दोस्तों इसका, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और ये एक बैंक है दोस्तों, जैसे कि मैं बताया दोस्तों ये बैंक है, और इसका सेल भी काफ़ी तगड़ा हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ईयर ऑन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो दोस्तों ये नेट प्रॉफिट में है दोस्तों, करीब करीब इसका नेट प्रॉफिट 735 करोड़ का दिख रहा है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टेटमेंट देखो दोस्तों, तो मार्च जो ईयर का ऑन ईयर का भी देखेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट इसका देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट करीब करीब 2500 करोड़ का है दोस्तों, तो शानदार है दोस्तों। इतने सालों से माइनस माइनस में था, लेकिन दोस्तों देखिए अभी ये पॉजिटिव प्लस में आया दोस्तों, तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है दोस्तों। अभी देखिए तो बैलेंस शीट भी तगड़ी है दोस्तों। अब बात आती है कि ये कंपनी LIC की कैसी है, या LIC का स्टॉक कैसे 40 रुपये में मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ से पता चलेगा, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप इसका देखोगे दोस्तों, तो इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, जिस कंपनी को ओन करती है दोस्तों, वो है LIC ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, LIC जिसका IPO है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों, इसके पास देखिए दोस्तों, जब मैं इसको बड़ा करता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों LIC लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इसके पास करीब करीब पहले 51% था दोस्तों, लेकिन अभी भी करीब करीब 49.24, यानी कि लगभग लगभग 50% के शेयर इस कंपनी के LIC के पास है। तो अल्टीमेटली दोस्तों ये कंपनी को लेना बोले तो LIC को ही लेना जैसा हो गया, क्योंकि अभी LIC का भी IPO आ रहा है दोस्तों। ये मेरी बात ध्यान से समझिए, LIC का IPO जैसे भी लॉन्च होता है, सो फ्यूचर में चल के ये बैंक उसमें मर्ज हो सकता है, तो ऑब्वियसली मर्ज होगा तो LIC के शेयर आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे दोस्तों, और डेफिनेटली मिलेंगे। मर्ज होगा, नहीं भी होता है तो ये ओनरशिप जो है दोस्तों इसकी LIC की है, तो इनडायरेक्टली आपका है ना, एक बोलते कि उसका जो ओनरशिप जो LIC का, तो इनडायरेक्टली आप LIC का जो ट्रस्ट करके जो बाय कर, मतलब जो LIC पे जो ट्रस्ट है आपका, तो वो ट्रस्ट आप इस पे भी रख के इसको है ना परचेस कर सकते हो 40 रुपये, क्योंकि ये ओनरशिप तो LIC की, जो जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग है दोस्तों है ना, तो वो सब LIC के पास है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास शेयर होल्डिंग है 45%, तो ये बोल सकते हैं दोस्तों ये कंपनी है ना 100% दोस्तों गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है दोस्तों, तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता अगर ये कल, वैसे तो डूबने वाली नहीं दोस्तों, डूबती भी है तो गवर्नमेंट का बैकअप है दोस्तों, कोई शेयर होल्डर का कुछ भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और ये इनडायरेक्टली आपको ये 40 रुपये में मिल रही है, फ्यूचर में नो नेवर नो दोस्तों, मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि LIC के पॉलिसी वगैरह दोस्तों, जब ये इनका ये बैंक है, इन्होंने इनकी ओनरशिप है दोस्तों, तो यहाँ से भी LIC के पॉलिसीज वगैरह सेल होंगी दोस्तों, या फ्यूचर में चल के इनको भी ये LIC बैंक के रूप में है ना, क्योंकि आप देख रहे काफ़ी NBFC छोटे मोटे जो है ना फाइनेंस कंपनी, उनको बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल रहा है दोस्तों है ना, तो LIC को भी डेफिनेटली, LIC जैसा पोस्टल बैंक है दोस्तों, तो वैसे LIC का भी अपना एक है ना लोन वगैरह तो देती है, हाउसिंग लोन, तो क्यों ना आगे फ्यूचर कल के ऐसा गवर्नमेंट है ना फ्यूचर में डिसीजन ले सकती है कि LIC का भी बैंक है ना, बैंक एस्टैब्लिश खुद का LIC के नाम से बैंक, फ्यूचर में नेवर नोज दोस्तों, कोई डिसीजन हो सकते हैं दोस्तों। तो उस लिहाज से दोस्तों ये आपको है ना 40 रुपीज़ में ना LIC का जो है ना शेयर मिला, क्योंकि ओनरशिप दोस्तों LIC की इसमें पूरी है दोस्तों 50% की दोस्तों। बताती है कि इस स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों, तो स्टॉक का नाम है दोस्तों IDBI बैंक लिमिटेड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, IDBI बैंक लिमिटेड दोस्तों, इसको दोस्तों पूरी तरह से LIC ने टेक ओवर कर लिया है दोस्तों।
और ये एक बैंक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कमर्शियल बैंक है, सेविंग बैंक का भी काम करती है, पोस्टल सेविंग बैंक एंड डिस्काउंट हाउसेस जो है, ये सब पूरा बैंकिंग से रिलेटेड सभी काम होते हैं दोस्तों। और जगह जगह आप देखते होंगे इसके, कहीं आपके शहरों में भी इसके ब्रांचेस है, तो कोई छोटा ब्रांच नहीं दोस्तों। और जैसे कि मैं प्रॉफिट बैलेंस शीट वगैरह सब बताया हूँ दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आगे जाके बिजनेस ग्रोड है या ब्रांचेस वगैरह भी एक्सपेंड हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक है, आप निवेश करते हैं दोस्तों इसी में एज अ प्योर बैंकिंग के रूप में भी दोस्तों। अगर आपका हॉरिजन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5-10 साल का है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में जाके आपको मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये था वो शेयर दोस्तों, है ना, एक प्रकार से एक हिडन स्टॉक दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा दोस्तों, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। और कुछ जानना होगा इस स्टॉक के बारे में तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जाने से पहले अगर दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।